क्या नवीनुल हक वापिस से आईपीएल 2024 खेलेंगे? नवीनुल हक जब अफगानिस्तान जा रहे थे उससे पहले नवीनुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, विराट कोहली के बारे में क्या क्या कहा, नवीनुल हक ने यहाँ पे गौतम गंभीर के बारे में क्या क्या कहा, और जो इंडियन फैंस है उनके बारे में क्या क्या कहा। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट का जब मैच चल रहा था उस समय जब फील्डिंग पे तैनात थे यहाँ पे नवीनुल हक बाउंड्री के पास, तो जितने भी विराट कोहली के सपोर्टर्स थे और मुंबई इंडियंस के फैंस थे वो सब नवीनुल हक को कोहली कोहली के नाम से चिल्ला के चिढ़ा रहे थे। लेकिन सिर्फ एक ही मैच में नहीं, जब से आरसीबी और लखनऊ का झगड़ा हुआ है उसके बाद जितने भी मैचेस हुए हैं और नवीन जितने मैचेस में भी बाउंड्री के पास फील्डिंग करने गए हैं सब मैचेस में नवीन को चिढ़ाया गया है विराट कोहली के नाम। क्या नवीनुल हक इन सब बातों से डिमोटिवेट हो गए हैं? क्या नवीनुल हक से ये जब क्वेश्चन पूछा है कि आप वापस इंडिया आएंगे फिर से आईपीएल खेलने के लिए तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नवीनुल हक ने यहाँ पे और गौतम गंभीर के बारे में क्या कहा, नवीनुल हक ने यहाँ पे विराट कोहली के बारे में क्या कहा? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब मुंबई इंडियंस और एलएजी का मैच खत्म के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो नवीनुल हक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा कि विराट कोहली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कि विराट कोहली से क्या आपको माफी मांगनी चाहिए, क्या विराट कोहली से आपको ट्विटर पे माफी मांगना चाहिए या फिर इंस्टाग्राम पे माफी मांगना चाहिए, क्योंकि हर मैच के बाद आपने तो पोस्ट डाल दी थी यहाँ पे विराट कोहली को चिढ़ाने के लिए। तो नवीनुल हक ने यहाँ पे इन सब का उत्तर देते हुए ये कहा कि देखिए जो पिच की बात है, जो ग्राउंड की बात है, वहां पे जब लोग विराट कोहली का नाम से चिल्लाते हैं तो उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया है, विराट कोहली के इतने बड़े फैन बेस है, तो ये होना लाजमी है कि कोई प्लेयर उनसे झगड़ा करके बाहर तो नहीं निकल सकता, ये सब नवीनुल हक ने कहा। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक क्रिकेटर हूँ और मेरा फोकस सिर्फ यहाँ पे खेलने पे होना चाहिए, ना कि किसी और चीज पे। यहाँ पे पब्लिक का काम है सपोर्ट करने अपने अपने फेवरेट प्लेयर को, लेकिन मेरा काम है खेलना। और एक चीज, पब्लिक जितना मुझे इन सब चीजों से चिढ़ाएगी मुझमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना ही अच्छा फील्ड पे कर जाऊंगा। तो यह जवाब यहाँ पे नवीनुल हक ने रिपोर्टर को दिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी मुंबई इंडियन और एलआईसी के मैच खत्म होने के बाद। दूसरा सवाल यहाँ पे नवीनुल हक से पूछा गया कि क्या गौतम गंभीर आपको अच्छे लगते हैं, मतलब गौतम गंभीर के साथ काम करके आपको कैसा लगा, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड गौतम गंभीर कैसे प्लेयर, मतलब इंसान है, कैसे प्लेयर है, कैसे कैरेक्टर है उनके। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो नवीनुल हक विराट कोहली के झगड़े के बाद गौतम गंभीर ने यहाँ पे स्टैंड लिया था नवीनुल हक का, और गौतम गंभीर ने कहा था कि जो एलएसजी के प्लेयर्स है, जितने भी प्लेयर्स है, वह सब उनकी फैमिली है, तो उनसे कोई भी भिड़ेगा तो गौतम गंभीर उसमें स्टैंड लेंगे। तो इस सवाल का जवाब देते हुए जो नवीनुल हक ने, उसने ये कहा कि देखिए गौतम गंभीर एक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर है जो इंडिया टीम को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है, और गौतम गंभीर सर जो है वह उनसे मतलब मुझे सीखने का बहुत मौका मिला, मतलब बहुत चीजें मैंने उनसे सीखी है ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड। के बाद वो कहते हैं कि मैं अगर कभी भी बाहर भी रहता हूँ, ऑफ फील्ड भी रहता हूँ, यानी अफगानिस्तान में भी रहता हूँ, तो गौतम गंभीर सर से मेरी बातचीत होती रहती है और वो मुझे हमेशा समझाते रहते हैं। तो यह चीजें यहाँ पे कही गई नवीनुल हक की तरफ से गौतम गंभीर और विराट कोहली के लिए। बाद में यहाँ पे ये तो चल ही रहे थे, इनके अलावा यहाँ पे आरसीबी के फैंस और विराट कोहली के फैंस जितने भी है वह नवीनुल हक को तो डाल ही रहे थे, मतलब ट्विटर के ऊपर भयंकर तरीके से ट्रोल डाल रहे थे। इन सब चीजों पे भी पूछा गया नवीनुल हक से कि क्या आपको यहाँ पे इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप बात करो तो वहां उन्होंने कमेंट बॉक्स ऑफ करके रखा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए इतने बड़े फैन बेस प्लेयर के अगर फैन को मैं हर्ट करूंगा तो वो मुझे गालियां देंगे, तो इसीलिए मैंने मतलब उन सब चीजों पे मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊं इसलिए मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपने कमेंट्स ऑफ करके रखे हैं और मैं किसी को उतना जवाब भी नहीं देता हूं। तो यह सब यहां पे रही है कॉन्फ्रेंस यहां पे नवीनुल हक और जो रिपोर्टर्स थे उनके बीच में। लेकिन यहां पे विराट कोहली के फैंस और जो आरसीबी के फैंस है वो अभी भी नवीनुल हक को नहीं छोड़ रहे हैं। आपको मैं अगर बता दूं तो सब मिलके यहां पे नवीनुल हक को आम को लेके चिढ़ा रहे हैं, मैंगोस के लेके चिढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ स्विगी जो है इंडिया में वो भी यहाँ पे चिढ़ा रहे हैं नवीनुल हक को मैंगोस की फोटोज डाल के, यहाँ तक कि लखनऊ सुपर जायंट जो खुद की टीम है वो भी उन्हें चिढ़ा रहे। तो यह पूरा मामला यहाँ पे अभी चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पे नवीनुल हक जो है वो वापिस अफगानिस्तान चले जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे फिर तो सारे इंडियन प्लेयर्स एक साथ हो जाएंगे और सारे इंडियन फैंस एक साथ हो जाएंगे, लेकिन जब इंडिया अफगानिस्तान का मैच होगा उस समय ये सब चीजें देखने लायक होंगी।
इसके बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं।